मैं बड़ी खुशी है कि कैलाश खेर हो रही एक बड़े शॉर्ट ट्रिप से टोरंटो आए सी वापस इंडिया नू जा रहे है और इस वेले एयरपोर्ट ते ने लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त समय चो थोड़ा जहा समा साडे वास्ते कढ़िया है इस गीत बारे गल करन लई और कुछ होर आने वाले अपने गीतां बारे गलबात करन लई। कैलाश आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार जी। आपको बारंबार प्रणाम और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैलाश आपने बड़े गीत गाए हैं और गा रहे हैं, गाते रहेंगे, लेकिन और मैं क्योंकि बहुत साल पहले आप जब शो किया था हमने मिलके, बड़ा सफल शो था, सोल्ड आउट था, उसके बाद कितनी बार हमारी मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, आप कब से लगे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है हर एक को अपो अपना तरीके से गाने अच्छे लगते हैं, गीत भजन अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस दिन से मैंने ये आपका गीत सुना है, सच माने मैं कितनी बार सुन चुका हूँ, बार बार सुनने को मन करता है। कैसे आया मन में ये भाव, कैसे रचा गया ये गीत? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पृथ्वी पर देखिए जब जब समय बदलता है तो समय के साथ साथ हमारी सबकी सेंसिबिलिटीज बदलती है, सोचने का तरीका बदलता है, जीने का तरीका बदलता है जी। अब देखिए आज का युग जो है, आज का युग ऐसा नहीं है कि वे आप वहीं अटके रहे कि सुख संपत्ति घर आ गए, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ये तो वन साइड अग्रीमेंट थे। एक समय होगा इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी भगवान के साथ, लेकिन अभी परमात्मा को पता है क्या है, तो हम लोग अपने आप को शुद्धि न बनाए, तो भगवान की ही प्रेरणा से फिर ऐसी चीजें आती हैं, जिस तरह से जैसे निर्विलिप्त निर्विघन सूक्ष्म जगत में जी चैतन्य रूप पर सर्वत्र व्याप्त नहीं और कणकण रमनता। हाँ, तो जो हमारी थ्योरी है, अद्वैत की जो थ्योरी है, हमारी जो अहम ब्रह्मासी और तमसी, जहाँ जहाँ ये सारी थ्योरी, ये तो जीवन ही है ना जी। तो अभी ये ज्यादा बुकिश में जाने की बजाय ये अब जीने का तरीका ही ये है, तो इस तरह की जो प्रेरणाएं मिलती है तो इस तरह के गाने, इस तरह की रचनाएं मेरे दाता रख देते हैं। ये हम नहीं रखते, ये हम द्वारा हम माध्यम होते हैं। हम अपनी भावनाओं में अगर अच्छे रहेंगे तो मेरी प्योरिटी मेरे दाता बनकर गंगा बनकर बहते हैं। कैलाश, बिना उस अवस्था के पहुंचे ये गीत ऐसा नहीं रचा जा सकता, मेरा ये मानना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मी गीत गाते गाते, बॉलीवुड में गाते गाते आप उस अवस्था में जा रहे हैं, वरना ऐसा गीत रचा जा ही नहीं सकता। तो आपको इस बात की बधाई कि अगर आपका जो सोच का स्तर है, आपका जो जहां जिस लेवल पे आप पहुंच रहे हैं, ये कोई साधारण वो अवस्था नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो आपकी जो ग्रोथ हो रही है, एज ए सिंगर तो है ही, एज एन आर्टिस्ट तो है ही, लेकिन इस तरह से भी जो आपकी ग्रोथ हो रही है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। देखिए फल लगा बीज जैसा बोया, और हम संतों में, महात्माओं में, महामंडलेश्वरों में जिए हैं, मेरा बचपन उन्हीं में बीता है, हम गुरुकुल में पढ़े, आश्रम में जिए हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना फल लगा बीज जैसा बोया, तो असर उसका दिखता है। चलिए, और आपका जो गीत है, जिस तरह से आपने इसको संगीतबद्ध किया है और जिस तरह से इसको विजुलाइज किया गया है, ये सब मिलके जो सुमेल हो जाता है तो बात फिर बन जाती है। चलिए, और हम लोग देखिए मनोरंजन तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं संगीत को। म्यूजिक कैन बी द मीडियम फॉर द एनलाइटनमेंट, तो हमारी बहुत बहुत ये प्रयत्न रहता है, कोशिश रहती है कि जीवन में यदि कुछ किया जाए तो सिर्फ वो शैलो लेवल पे ना किया जाए, तो सिर्फ ऐसे ना किया जाए कि हाँ ये भी एक है, लेकिन ये भी एक है तो बहुत, इस कैटेगरी पे तो बहुत काम हो चुके हैं। चलिए, आप बड़े छोटे से ट्रिप पे आए हैं टोरंटो, कल आए और आज वापस जा रहे हैं, हम आपके लिए एक प्रार्थना करते हैं कैलाश के जल्दी से खुद का जेट विमान खरीदें, जितने आप व्यस्त होते जा रहे हैं आपको तो खुद का एक जेट। चलिए हमारी और आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, और मैं अपने तमाम दर्शकों को, हम टीवी पे भी लाइव हैं इस समय और रेडियो पे भी लाइव हैं, बता दें
कि दिवाली का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कैलाश भाई आए उसमें और आपका खूब मनोरंजन भी करें और इस तरह के आपको अच्छे अच्छे भजन भी वो सुनाएंगे और एक बढ़िया समां बांधते हैं जब ये आते हैं तो कोशिश करेंगे इनसे मुलाकात होगी। लेकिन तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं जाने से पहले? टोरंटो से आपका खास प्यार है, बार बार आते हैं टोरंटो। मेरी भी सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप कैलाश। थैंक यू। धन्यवाद।